राजधानी लखनऊ के थाना ठाकुरगंज पुलिस की लापरवाही से युवक पहुंचा मरणासन्न अवस्था में। 5 दिन पूर्व हुए युवक के अपहरण का पुलिस नहीं कर पाई थी खुलासा। जान बचाकर भागे युवक ने खोली पुलिस की पोल। स्मैक बेचने वाले परिवारों ने युवक को बंधक बनाकर किया जानलेवा हमला। चाकू की नोक पर युवक को रखा असलहे से थोड़ा सा करंट लगाकर की जान लेने की कोशिश। गौघाट चौकी के पीछे चिरैया दीपक और उसका परिवार करता है स्मैक और गांजे का कारोबार। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र का पूरा मामला। के साथ आपके हमरे लड़के के यहाँ बहाने से दीपक बुलाक ले गए। हाँ। और चुरैया दीपक बुलाक ले गए, चलो तुम गए भाई की यही चले। और चुरैया लेके जैसन धर्मा घुसा वैसन हमरे लड़का के यहाँ बांध दी कुर्सी में। यहाँ और कुर्सी में बांध के यहाँ फिर कैंपल रोड गाड़ी में बैठा गया। कैंपल रोड ले गए अपने ससुर के यहाँ और हमारे भैया के यहाँ कैंपल रोड पर। हमारे भैया का सलाह करी बेटिंग सने मारी है 3 से 15 है। दारू छिरिक छिरिक बियर छिरिक छिरिक हमारे भैया को होश हमला भर रहा है। और उसके बाद में जब हमारा भैया गए हमारे खून बात है कहीं खून कुर्सी से पहुंचो गाड़ी के सबूत है गाड़ी गाड़ी में के चेक करावा जाए खून। ये चिरैया और दीपक कौन है, क्या करते हैं? स्माइक बेचते हैं। स्माइक कहाँ पे बेचते हैं? ये देखो गौघाट चौकी के पीछे। क्या नाम है तुम्हारा? फहीम। क्या मामला हुआ तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ बताओ जरा। उनका लकड़ी का भाई सानू है, कुर्सी बैठा रहे हाथ पकड़ लिए निखारे चक्कू मेरे यहाँ खोद दी गड्ढा हो गया। उनके बाद पेड़ के लात किल्ली घूसे किल्लबड़ के पट्टे मार रहे हैं, फिर करंट लगाए रहे हैं कान में, यहाँ करंट लगाए नहीं है, हत्थे से ने मार रहे हैं असले करिए। कौन लोग हैं ये, क्या करते हैं? ये सब स्माइक बेचते हैं, जुआ सट्टा खिलवावते हैं। कहाँ पे? चौकी के पीछे। वो खिलवाते हैं कहाँ पे? स्माइक सब बिकवाते हैं पीछे चौकी के।